हेलो ग्रीनर्स, समर में प्लांट को सेव करना और ह्यूमिडिटी क्रिएट करना एक गार्डनर्स के लिए चैलेंजिंग होता है। समर में प्लांट को किस तरह से सेव करते हैं और किस तरह से आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी आप क्रिएट कर सकते हैं, उसका ऑलरेडी वीडियो मेरी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम बात करेंगे मल्चिंग की। मल्चिंग बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सारी बातें जो है मैं आज के वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले है ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स की मल्चिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये धीरे धीरे आपके प्लांट या पॉट जो होता है उसकी मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है, न्यूट्रिशन भी आपके प्लांट्स को प्रोवाइड करता है और मिट्टी जो होती है उसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देता है। फिर है लकड़ी का छिलका। ये आपको किसी भी सुथार के पास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लकड़ी का छिलका, थोड़ा बड़ा छिलका हो वो यूज़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा चूरा हो गया है। ये भी जो है आपके प्लांट्स को मॉइस्चर जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा, वाटर को होल्ड करने की और मॉइस्चर को लॉक करने की कैपेसिटी इसमें काफ़ी मात्रा में होती है। नेक्स्ट है स्टोन्स। स्टोन्स जो होते हैं वो किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन जो है आपके प्लांट्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं, प्लस आप जो भी न्यूट्रिशन अपने प्लांट को देते हैं उसको होल्ड करने की कैपेसिटी भी स्टोन्स में नहीं होती है। स्टोन्स बहुत सारे कलरफुल और डेकोरेटिव आते हैं, तो मल्चिंग के साथ साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पॉट्स जो है वो डेकोरेटिव भी लगेंगे। आप जब भी सी शोर या किसी रिवर कोस्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह के शंख और छिपले मिल जाएंगे, उसे भी आप मल्चिंग करके मॉइस्चर को लॉक कर सकते हैं, पर इसमें भी किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन आपके प्लांट्स को नहीं मिलेगा, इंसेक्ट का खतरा रहता है। नेक्स्ट है अखरोट का छिलका। फर्टिलाइज़र के तौर पर प्लांट्स में इसका यूज़ आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मल्चिंग के तौर पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसको बहुत सारे न्यूट्रिशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। हालांकि इसको डिकम्पोज होने में बहुत वक्त लगता है, प्लस ये ज़्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो है वो होल्ड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है कोको चिप्स। अगर आप इसको परचेस करते हैं तो मल्चिंग के तौर पर बहुत सारे प्लांट में इसका यूज़ कर पाना थोड़ा कॉस्टली रहता है, पर अगर आप 3 से 4 दिन के लिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं और इसकी मल्चिंग कर देते हैं तो आपके प्लांट में इनफ मॉइस्चर जो है वो बना रहता है। राइस हस्क या वीट हस्क, दोनों का इस्तेमाल आप मल्चिंग के तौर पर कर सकते हैं। ये मॉइस्चर जो है इसको बहुत ही कम मात्रा में होल्ड करेगा और ये थोड़ा बहुत एज अ फर्टिलाइज़र भी काम करता है, प्लस ये डिकम्पोज भी हो जाता है। नेक्स्ट है नीम के पेड़ की छाल। ये जो बार्क होती है पुराने पेड़ पर होती है, जो मैं अपने ऑर्किड और ब्रोमिलियर्ड्स में यूज़ करती हूँ, ये नीम की छाल है, तो इंसेक्ट का खतरा इससे नहीं रहता है। ये इंसेक्टिसाइड का भी मल्चिंग के साथ साथ काम करेगी। कोकोपीट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाटर को लॉक करने की कैपेसिटी होती है, तो मल्चिंग के तौर पर इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस आप जितने भी न्यूट्रिशन अपने प्लांट में डालेंगे उसको भी ये होल्ड करके रखता है। कोकोपीट को मल्चिंग के तौर पर यूज़ करना थोड़ा महंगा रहता है, तो इस तरह के नारियल के छिलके आपको मंदिर या किसी भी दुकान पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ये भी जो है थोड़ी बहुत मात्रा में न्यूट्रिशन को होल्ड करते हैं और मॉइस्चर को लॉक करते हैं, तो मल्चिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल मेरी नज़र से बेस्ट रहता है। फिर है मूंगफली के छिलके। ये जो होते हैं डिकम्पोज भी हो जाते हैं, आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, मल्चिंग के लिए इसका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। नेक्स्ट है बहुत सारे फ़ायदे वाली लाइव मल्चिंग। बहुत सारे प्लांट्स जिसका हम ग्राउंड कवर के तौर पर यूज़ करते हैं तो उसको मल्चिंग के तौर पर लगाकर आप ट्रे गार्डन बना सकते हैं। अगर हम इसको दूसरे पॉट में लगाते हैं तो पॉट में मल्चिंग का भी काम हो जाएगा, प्लांट भी आपका सेव हो जाएगा, एक्स्ट्रा पॉट और स्पेस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो है उसको मेंटेन भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है थर्मोकोल। हालांकि ये किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन आपके प्लांट को प्रोवाइड नहीं करता है, प्लस ये डिकम्पोज भी नहीं होता है, पर समर में अपने प्लांट्स को 1-2 महीने बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कोई बुरा भी नहीं है। लास्ट है नारियल के पेड़ की छाल। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, मल्चिंग के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोस्टल एरिया से हूँ और ये मेरे यहाँ इजीली अवेलेबल है, तो मैं कोकोनट ट्री से जितनी भी चीज़ें मिलती है उसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। अगर नारियल के पेड़ की छाल जो होती है उसका आप मल्चिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं तो इसमें वाटर लॉस जो है वो तो ज़्यादा नहीं होगा, वाटर लॉस को ये रोक देगा, पर इसमें जो है वाटर होल्डिंग की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पतली होती है, तो ना ही ये कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ना ही होल्ड करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट।